हेलो गाइस एंड वेलकम टू मैन्युअल एजुकेशन। सो ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है फॉर ऑल दी एमबीए एस्पिरेंट्स, बिकॉज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं केजे सोमैया के बारे में है। यस गाइस, अगर तुमने कैट 2023 लिखा था, केजे सोमैया अगर तुम टारगेट कर रहे थे थ्रू कैट, तो उसके जो कॉल्स हैं वो आउट हो चुके हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे कि कॉल्स आउट होने के बाद क्या कट ऑफ है, चूँकि इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर भी इन्होंने रिवील कर दिया है, तो ये बिल्कुल ऑफिशियल होगा जो इनका कट ऑफ रिवील हुआ है। अगर तुमने कैट लिखा था, दूसरा कोई एग्ज़ाम लिखा था, क्योंकि ये बहुत सारे स्कोर्स भी एक्सेप्ट करते हैं, तो क्या कट ऑफ्स होने वाले हैं, क्या इनकी एलिजिबिलिटी है, सिलेक्शन प्रोसेस में थोड़े बहुत चेंजेस हुए हैं वो क्या चेंजेस हैं, और अल्टीमेटली इनकी प्लेसमेंट्स क्या लगी हुई है, तो ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। सो अगर तुमने कैट लिखा था या फिर दूसरे कोई भी एग्ज़ाम्स लिखे थे जो ये एक्सेप्ट कर रहे हैं और उसके थ्रू तुम केजे सोमैया को टारगेट कर रहे थे, तो ये वीडियो तुम्हारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। शेयर कर दो ये वीडियो अपने सारे फ्रेंड्स के साथ भी। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो, बट बिफोर वी मूव ऑन देयर इज एन इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट टू पुट फॉरवर्ड दैट ऑल दी स्पेसिफिक वीडियोज रिलेटेड टू एम बी ए तुम्हें सबसे पहले मैन्युअर एम बी ए एंट्रेंस चैनल पर देखने को मिलेंगे। तो अगर तुम ये वीडियो मैन्युअर एम बी ए एंट्रेंस पर देख रहे हो, फटाफट से इसको सब्सक्राइब करो। अगर तुम ये वीडियो मैन्युअर एजुकेशन पर देख रहे हो, तो द लिंक फॉर मैन्युअर एम बी ए एंट्रेंस इज इन द डिस्क्रिप्शन, चेक करना मत भूलना। इफ यू वॉन्ट टू स्टार्ट योर प्रिपेरेशन फॉर द नेक्स्ट ईयर और द सब्सिक्वेंट ईयर्स, वी हैव लॉन्च द बैचेस फॉर द सेम। फॉर द लाइव क्लास एंड ऑनलाइन सेशन यू कैन कॉन्टैक्ट अ नंबर 8828581455 या फिर 54। If you are in Mumbai looking for classroom coaching, you can visit our centers Vasai, Dadar, Borivali, Thane, Andheri. We have 5 centers in Mumbai और हमारा पुणे सेंटर काफ़ी जल्द आ रहा है। तुमको इंपॉर्टेंट अपडेट नोटिफिकेशन मिस ना कर दो, इसलिए हमें फॉलो कर सकते हो सोशल मीडिया पर सच एज टेलीग्राम, इंस्टाग्राम एंड फेसबुक। रिगार्डलेस ऑफ द बैचेज यू ज्वाइन, यू विल बी प्रोवाइडेड विद द वीडियो लेक्चर्स, फुल लेंथ एंड सेक्शनल मॉक टेस्ट, बुक्स एंड ई बुक्स, मेंटरशिप स्ट्रैटेजीज एंड अ लॉट मोर थिंग्स। सो वॉट आर यू ऑल वेटिंग फॉर, जस्ट हेड टू आवर नंबर्स एंड बुक योर सीट्स राइट अवे। सो सोमैया विद्याविहार वॉज एस्टैब्लिश्ड बाय पद्मभूषण लेट श्री केजे सोमैया इन 1959, एन एंटरप्रेन्योर, फिलान्थ्रोपिस्ट एंड अ विजनरी। ही फर्मली बिलीव्ड दैट मॉडर्न एजुकेशन हैड टू हैव इट्स रूट्स इन स्ट्रॉन्ग वैल्यूज़। केजे सोमैया का सिर्फ नाम ही काफ़ी, अगर तुम मुंबई में कोई टॉप लेवल का बी स्कूल देख रहे हो, डीसेंट बी स्कूल देख रहे हो, केजे सोमैया इज़ वन ऑफ देम। दिस अंडरलाइंग थीम एंड लेगेसी ऑफ सोमैया विद्याविहार वॉज कंटिन्यूड एंड फर्दर स्ट्रेंथन बाय डॉक्टर एस के सोमैया। सोमैया विद्याविहार एम्स टू प्रोवाइड मीनिंगफुल एंड रिलेवेंट एजुकेशन स्टीप्ड इन रिच इंडियन कल्चर एंड हेरिटेज एंड रूटेड इन यूनिवर्सल रिलीजियस फिलोसफीज ऑफ द वर्ल्ड। एट द सेम टाइम इट ट्राइज टू एम्फसाइज ऑन बोथ द लिबरल एंड प्रोफेशनल एस्पेक्ट ऑफ हायर एजुकेशन इन द कंटिन्यूसली इवॉल्विंग बिजनेस वर्ल्ड। सोमैया विद्याविहार प्रोवाइड्स एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज टू ऑल स्टूडेंट्स टू डिस्कवर एंड डिसेमिनेट नॉलेज इन ऑर्डर टू सर्व कम्युनिटीज अराउंड द वर्ल्ड। तो इनका मोटो काफ़ी क्लियर है कि यहाँ से क्वालिटी ऑफ एजुकेशन तुम्हें प्रोवाइड करनी है, लीडर्स यहाँ से जो है वो बन के बाहर निकलने चाहिए। अब देखते हैं प्रोग्राम्स कौन से ऑफर करते हैं। 4 मेन प्रोग्राम ऑफर करेंगे जो इनका 2 साल का रेगुलर एमबीए वाला प्रोग्राम होने वाला है, ये इनका फ्लैगशिप प्रोग्राम भी है। उसके बाद है इनके पास एमबीए इन हेल्थ केयर मैनेजमेंट, एमबीए इन स्पोर्ट्स मैनेजमेंट, ये प्रोग्राम काफ़ी हाल फिलहाल में अच्छा परफॉर्म कर रहा है। और अगर तुम वर्किंग एग्जीक्यूटिव हो तो तुम्हारे लिए एमबीए इन वर्किंग एग्जीक्यूटिव भी है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखते हैं तो काफ़ी सिंपल सी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। मिनिमम 50% एग्रीगेट मार्क्स होने चाहिए तुम्हारे ग्रेजुएशन में कोई भी रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी की तरफ से, और सिर्फ तुम कैट ही नहीं बल्कि जैट, जीमैट और एनमैट का भी स्कोर यहाँ पर दे सकते हो, और साथ ही साथ तुम सीमैट का भी स्कोर दे सकते हो। एनमैट के लिए एक खास कंडीशन है कि ओनली फर्स्ट अटैम्प्ट जो तुम दोगे, तुम्हें पता होगा एनमैट के तुम 3 अटैम्प्ट दे सकते हो, बट उसमें से जो सबसे पहला अटैम्प्ट होगा तुम्हारा वही कंसिडर किया जाएगा यहाँ पर। अगर तुमने बाकी सारे एग्जाम्स नहीं लेके सिर्फ और सिर्फ तुमने एनमैट लिखा हुआ है तो उसका फर्स्ट अटैम्प्ट ही यहाँ पर कंसीडर करा जाएगा। अगर तुमने जीमैट भी लिखा हुआ है तो जो 1 जनवरी 2021 से लेकर 18 जनवरी 2024 तक वैलिड स्कोर्स हैं तुम वो उसको दे सकते हो। तो यहाँ पर काफ़ी सारे एग्जाम्स हैं, 5 एग्जाम्स के तुम यहाँ पर स्कोर दे सकते हो। तो बात करते हैं कट ऑफ्स की सारे एग्जाम्स को लेकर। तो ये जो डिक्लेयर हुआ है कट ऑफ, ये इनके ऑफिशियल फेसबुक पेज पर रिलीज़ हुआ है। अगर तुम इनकी वेबसाइट देखोगे तो तुम्हें वहाँ पर नीचे बुलेटिन में इनके फेसबुक हैंडल में ये नोटिफिकेशन दिख जाएगा, तो तुम उसमें जाकर ये कट ऑफ चेक कर सकते हो। तो ये एमबीए प्रोग्राम 2024-26 बैच के लिए आउट हो चुका है। कैट का परसेंटाइल 84, यहाँ पर पिछले साल का परसेंटाइल था 83, तो यहाँ पर 84 पर जिन जिन लोगों को कॉल आई होगी, काइंडली प्लीज़ चेक देयर ईमेल आईडी, तुम्हें इनके तरफ से कॉल आ चुकी होगी। एनमैट 225 की एक्सपेक्टेशन थी, 224 आया है। जैट पिछले साल 73 था, इस साल 71 आया है, और जीमैट का स्कोर आया है 500। तो जिन जिन लोगों को भी अब तक कॉल नहीं आई है, काइंडली कॉन्टैक्ट
द एडमिशन टीम ऑफ के जे सोमैया और उनसे एक बार कंफर्म कर लेना. अगर जिन जिन को भी कॉल्स आने की एक्सपेक्टेशन थी, काइंडली प्लीज़ चेक योर ईमेल आईडी, तुम्हें डेफिनेटली यहाँ से कॉल आ गई होगी. सबसे अच्छी बात है कि देर इज़ नो सेक्शनल कट ऑफ, कोई सेक्शनल कट ऑफ यहाँ पर तुम्हें देखने को नहीं मिलेगा. ये जितना भी है वो ओवरऑल कट ऑफ है. तो यहाँ पर अच्छी चीज़ें, 84 पर भी काफ़ी लोगों को कॉल आई है, एनमैट अगर किसी ने दिया है 224 पे भी कॉल आई है, 222 में भी लोगों को कॉल आई हुई है, जैट में 71 पर, 72, 73 पर भी कॉल आई हुई है और जीमैट 500 पर भी लोगों को यहाँ पर कॉल आई हुई है. काइंडली वंस अगेन प्लीज़ चेक योर ईमेल आईडी. अगर तुम्हें एक्सपेक्टेशन थी कि के जे सोमैया से तुम्हें इस स्कोर पर कॉल आनी चाहिए थी, काइंडली कॉन्टैक्ट दियर एडमिशन टीम. अब बात करते हैं सिलेक्शन पैरामीटर्स के लिए. तो क्वालिफाइंग एग्ज़ाम, तुमने कोई भी एग्ज़ाम लिखा हो, यहाँ पर कैट लिखा हो, जैट लिखा हो, तुमने जीमैट लिखा हो, एनमैट लिखा हो, या भले तुम सीमैट के थ्रू इसको टारगेट कर रहे हो, इन सारे एग्ज़ाम्स को मिलता है 25%. फिर होगा तुम्हारा पर्सनल इंटरव्यू कॉम्पिटेंसी बेस्ड, उसको भी मिलेंगे 25%. ग्रुप डिस्कशन अगेन कॉम्पिटेंसी बेस्ड होगा, उसको मिलेंगे 15%. एकेडेमिक प्रोफाइल, यहाँ पर तुम्हारा 10th, 12th और ग्रैड, ये तीनों अच्छे से यहाँ पर चेक होने वाला है, तो उसको मिलेंगे 15%. रिटन एबिलिटी टेस्ट, वैट को मिलेगा 10%. और वर्क एक्सपीरियंस, अगर तुम्हारे पास कोई रेलेवेंट वर्क एक्सपीरियंस है, आई रिपीट, यहाँ पर कोई भी इंटर्नशिप्स या लाइव प्रोजेक्ट्स काम नहीं आएगा. तुम्हारे पास एक रेलेवेंट वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए, उसका तुम्हारे पास वर्क एक्सपीरियंस लेटर होना चाहिए, सैलरी स्लिप होनी चाहिए, ये सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, तब जाकर तुम्हें मिलेंगे यहाँ पर 10%. तो तुम देख सकते हो क्वालिफाइंग एग्ज़ाम और पर्सनल इंटरव्यू यहाँ पर लेके जाएंगे तुम्हारे 50% और बाकी 50% यहाँ पर तुम्हारे डिवाइड हो जाएंगे. तो ये दो चीज़ तो तुम्हें अच्छे से लिखनी है. तुमने कोई भी यहाँ पर एग्ज़ाम लिखा हो, उसके मिलेंगे तुम्हें 25%. तो मेक श्योर कि अगर तुमने कैट लिखा था, तुम्हारा परसेंटाइल अच्छा हो, जैट लिखा था, जीमैट लिखा था, एनमैट अगर तुमने फर्स्ट अटैम्प्ट में अच्छा परफॉर्म किया हुआ है, अगर तुम सीमैट भी लिखने की सोच रहे हो तो यहाँ पर भी तुम्हारा स्कोर काफ़ी अच्छा आना चाहिए. और पर्सनल इंटरव्यू में तुम्हें अच्छा तो परफॉर्म करना ही पड़ेगा. अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स की. सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म जो इनके वो बंद हो चुके हैं 18th of January 2024 को. शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ कैंडिडेट्स फॉर वैट एंड GDPI वो चालू होगा 5th of February 9 PM से. प्रोफाइल बेस्ड शॉर्ट लिस्टिंग होगी फॉर MBHCM और SM. अगर तुम इन दोनों हेल्थ केयर मैनेजमेंट और स्पोर्ट्स मैनेजमेंट के लिए जाना चाहते हो तो वो भी होगी 5th of February 9 PM से. तुम डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हो ऑनलाइन 5th of February से लेकर 12th of February 11:59 PM तक. फिर इसके बाद जो सिलेक्शन होगी इनकी वैट, GD और PI के लिए, वो होगी 5th of February से लेकर 12th of February 11:59 PM तक. कैंडिडेट्स प्रोफाइल अपलोडिंग 5th of February से लेकर 12th of February 11:59 PM तक. वैट, GD और PI तुम्हारा होगा 23rd of Feb से लेकर 10th of March तक. ऑफर लेटर्स तुम्हें मिलेंगे 1st of April तक. इनॉग्रेशन ऑफ प्रोग्राम जो टेंटेटिव डेट है वो 19th of June है. कमेंसमेंट ऑफ इंडक्शन प्रोग्राम जो होगा वो 20th of June से लेकर 28th of June. प्रोग्राम जो स्टार्ट होगा तुम्हारा 1st of July से. तो ये सारी ऑफिशियल डेट्स हैं, तुम इनके ऑफिशियल वेबसाइट पर भी देख सकते हो. अब बात करते हैं फ़ी स्ट्रक्चर की. अगर तुम MBA या MBA हेल्थ केयर मैनेजमेंट करना चाहते हो तो उसकी कुछ फ़ीस इस कदर है. ट्यूशन फ़ीस फॉर द फर्स्ट ईयर इज़ 8,31,000, सेकेंड ईयर के लिए 8,97,000. उसके बाद डेवलपमेंट फ़ीस, कॉशन मनी डिपॉजिट और अलुमना एसोसिएशन फ़ीस, सारा कर कुरा के यहाँ पर तुम्हारे दो साल के बनते हैं कुछ अराउंड 20 लाख रुपीज़. एक इन्वेस्टमेंट की तरह तुम ले सकते हो. अगेन अगर तुम्हें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखनी है तो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर ये तुम्हें सारी चीज़ें मिल जाएंगी. अब बात करते हैं पैकेजेस की. तो हाईएस्ट पैकेज जो यहाँ पर रिकॉर्ड हुआ है वो है 25.96 लाख पर एनम का. 117 कंपनीज टोटल रिक्रूटर्स थी जो फाइनल प्लेसमेंट्स में आई थी. एवरेज पैकेज जो टॉप 100 स्टूडेंट्स को लगा है वो है 16.38 लाख पर एनम का. एवरेज पैकेज जो टॉप 200 स्टूडेंट्स को लगा है वो है 14.79 LPA का. और टॉप 300 स्टूडेंट्स को जो एवरेज पैकेज लगा है वो है 13.93 LPA का. अगर हम समर प्लेसमेंट्स की बात करें 2022-24 के बैच की, तो हाईएस्ट स्टाइपेंड जो यहाँ पर रिकॉर्ड हुआ है 1,08,000 पर मंथ का. इसके अंदर 113 नई कंपनीज थी जो टोटल रिक्रूटर्स थी. एवरेज स्टाइपेंड जो मिला है 100 स्टूडेंट्स को वो 56,000, 200 स्टूडेंट्स को मिला है 49,000 और टॉप 300 स्टूडेंट्स को मिला है 43,000. तो काफ़ी अच्छे रिटर्न्स यहाँ पर देखने को मिले. अब रिक्रूटर्स की बात कर लें तो ये सारी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जो के जे सोमैया की रेगुलर प्रोमिनेंट रिक्रूटर्स हैं. इन सारी कंपनीज के साथ तुम फ्यूचर में काम कर सकते हो. सो यस गाइज, ये था
इन डेप्थ वीडियो अबाउट के जे सुमैया. कॉल्स आउट हो चुकी हैं, जिन जिनको भी कॉल्स आउट हो चुकी है उनको हार्डली कॉन्ग्रेचुलेशन. जिनको भी नहीं हुई है काइंडली चेक योर ईमेल आईडी, या फिर तुम्हें अगर एक्सपेक्टेशन थी कॉल्स आने की यहाँ से तो तुम एडमिशन डिपार्टमेंट को भी कॉल कर सकते हो. सो यस गाइस, इफ यू हैव एनी डाउट एंड क्वेरीज यू कैन राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन. तुम्हें कौन से स्कोर पर कौन से एग्जाम्स के लिए कॉल आई है यू कैन राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन टू. एंड लेट्स प्रिपेयर फॉर द स्टेज थ्री जो तुम्हारा होने वाला है वैट एंड पी आई. अब कैसे प्रिपेयर करोगे, अलाउ मी टू टेक यू टू द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ मैन्योर एडुकेशन एंड गाइड यू अबाउट द वैट पी आई प्रोग्राम. ऑल राइट, सो क्विकली हेड टू द ऑफिशियल वेबसाइट manuaredu.com, क्लिक ऑन बायो, क्लिक ऑन एम बी एंट्रेंस, स्क्रोल डाउन और सबसे नीचे जो तुम्हें ये टैब दिख रहा है जी पी वैट एंड पी आई, इस पर क्लिक कर दो. स्क्रोल डाउन तो जो पहला वाला टैब है तुम्हें वो चेकआउट करना है, क्लिक ऑन व्यू डिटेल्स. इसमें मिलते हैं 21 वीडियो लेक्चर्स और 2 हैंडआउट्स. और तुम सिर्फ और सिर्फ पीआई के लिए प्रिपेयर करना चाहते हो तो यू कैन चेक आउट द लास्ट टैब, क्लिक ऑन व्यू डिटेल्स. इसके अंदर मिलते हैं तुम्हें 9 वीडियो लेक्चर्स और 1 हैंडआउट. काफ़ी इंपॉर्टेंट और काफ़ी इफेक्टिव प्रोग्राम है तुम्हारे वैट और पीआई के लिए. उसके बिना तो तुम्हारी फाइनल सिलेक्शन होने नहीं वाली. 35% तुम्हारा पीआई होल्ड करता है वेटेज, तो ये चीज़ ध्यान में रखना और उस हिसाब से ही प्रिपेयर करना. सो यस गाइस, शेयर कर दो ये वीडियो अपने सारे फ्रेंड्स के साथ भी. और नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक पर देखना चाहते हो यू कैन राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन. सो यस गाइस, दैट्स प्रीटी मच इट फॉर द वीडियो. अंटिल देन, सी यू इन द नेक्स्ट वन.